दोस्तों नैया यादव पर मूवीज का चारों तरफ विरोध हो रहा है। लोग उस मूवीज पर भड़क रहे हैं। विरोध होने का असली कारण यह है कि इस मूवीज में पहले के मुकाबले बहुत चेंज किए गए हैं। लोग इस मूवीज पर भड़के भी क्यों ना, क्योंकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आदि पुरुष मूवीज पर कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। आदि पुरुष मूवीज का क्या मतलब है? क्या आदि पुरुष मूवीज एक टॉलीवुड मूवीज है? पहले हम बात करते हैं नई आई आदि पुरुष मूवीज के बजट के बारे में। रिपोर्टर्स के मुताबिक इसका बजट 500 से 600 करोड़ रुपए में बनकर ये मूवी तैयार हुई है। आदि पुरुष मूवीज पर इतने करोड़ों रुपए खर्च करके इस मूवीज को बना तो दिया, लेकिन लोगों की तरफ से इसका भारी विरोध हो रहा है। अगर इस मूवीज को बनाने से पहले इसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च किया होता तो लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचती, लोग इस मूवीज पर न भटकते। अब बात करते हैं आदि पुरुष का क्या मतलब है। पुरुषों में जो सबसे उत्तम है भगवान श्री राम ही सबसे पहले ऐसे आदि पुरुष है जिन्होंने आदिवासियों से साथ मिलकर काम किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आदि पुरुष एक टॉलीवुड फिल्म है। आदि पुरुष 2023 की पौराणिक एक्शन फिल्म है जो कि हिंदू महावाक्य रामायण पर आधारित है, जिसे ओम राउत द्वारा निर्देशित और सह लिखा गया है और बॉलीवुड और टॉलीवुड निर्माताओं के एक समूह द्वारा निर्मित किया गया है। जी, कुछ आदि पुरुष मूवीज के बारे में जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको ये मूवीज कैसी लगी? आपकी क्या राय है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर देना, ताकि इस मूवीज में जो भी चेंज किए गए हैं हर एक को पता चल सके।